पीढ़ी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की आज के पांच बड़ी खबरों के साथ। पांच बड़ी खबरों का रुख करते हैं हम। सबसे पहले बात करेंगे हम असम की, जहां पर 23 और 25 मार्च को तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। बात जम्मू की करें तो 24 मार्च को कई इलाकों में बारिश की संभावना बताई गई है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, अरुणाचल प्रदेश की ओर रुख करेंगे, जहां पर 23 मार्च को भारी बरसात का अनुमान अरुणाचल प्रदेश को लेकर जताया गया है। आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में, अब रुख करेंगे हम सौराष्ट्र का, जहां पर अगले पांच दिन गर्म और उमस भरा मौसम देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर में अब हरियाणा की बात करते हैं, जहां पर 24 मार्च को कहीं कहीं बरसात के आसार जताए गए हैं। ये हुई हमारी आज की पांच बड़ी खबरें। बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को लेकर अलग अलग बातें बताई जाती हैं, कहां आपको सावधान रहना है, कहां आपको नजर बना के रखनी है और कहां के लिए सावधानी जारी की गई है, ये सब हम जानते हैं। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से राज्यों को दर्शाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि किस राज्य को लेकर आपको नजर बना के रखनी है। आप पूर्वोत्तर राज्यों की अगर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय को लेकर आपको नजर बनाए रखनी है। यहां पर कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिलेगी और मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। अरुणाचल प्रदेश में भी ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, यहां पर भी, गिलगित में भी आपको नजर बना के रखनी है। यहां पर भी कुछ क्षेत्रों में तेज हवाएं चलेंगी, कुछ क्षेत्रों में हल्की फुल्की ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है और कुछ क्षेत्रों में आपको तेज शीतलहर भी चलते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी राज्यों को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। अब बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी और कहां कम बरसेंगे बादल। शुरुआत श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित से करते हैं। लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, आप देख पा रहे हैं कि इन जगहों पर कई जगह बरसात होने का अनुमान जताया गया है। वहीं बात पंजाब, चंडीगढ़ और उत्तराखंड की हम करें तो इन राज्यों को लेकर कहीं कहीं बारिश बताई गई है कि कहीं कहीं यहां पर बारिश हो सकती है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर अगर हम नजर डालते हैं तो यहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों में कोई बरसात होने की उम्मीद नहीं जताई गई है। ये आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब बात करते हैं हम बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की, तो यहां पर कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अगर रुख करें हम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहां पर अनेक जगह बरसात होने का अनुमान है, लेकिन झारखंड की ओर कोई बरसात की उम्मीद नहीं जताई गई है। दक्षिण भारत की ओर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं अंडमान निकोबार की बात करें, इसके अलावा बीती उत्तर कर्नाटक, तटीय कर्नाटक और तमिलनाडु की बात करें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश है। उसके बाद रायलसीमा, भीती दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहां पर बरसात की कोई उम्मीद नहीं जताई गई, यानी दक्षिण भारत के हिस्सों में बरसात नहीं होगी। मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप देख पा रहे हैं मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ कोई बरसात नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूरी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात की अगर हम बात करें तो कोई बरसात नहीं। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं कच्छ, सौराष्ट्र की अगर हम बात करें, दमन और दीव की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें तो यहां पर भी कोई बरसात की उम्मीद आने वाले 24 से 48 घंटों में नहीं जताई गई है। बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम जानते हैं पिछले 24 घंटे में कहां कहां बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें तो ऊपरी के हिस्सों की अगर हम बात करें तो कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, ओडिशा में बारिश दर्ज की गई है, बिहार के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं, बारिश दर्ज की गई है, झारखंड में तेज हवाएं चली हैं, गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की गई है, गांगे पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है और बारिश दर्ज की गई है, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, पूर्वोत्तर के इन सभी राज्यों के अंदर बारिश दर्ज की गई है। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें तो कुछ हिस्सों में तटीय आंध्र प्रदेश के ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं। तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी की बात करें, तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी पिछले 24 घंटे में बरसात दर्ज की गई है और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है। मध्य भारत की रुख करते हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि हुई है, तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक के साथ बारिश भी हुई है और कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि देखने को मिली है। विदर्भ में भी यही हाल देखने को मिला है, यहां पर भी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही मौसम खबर में तमाम अहम जानकारियां और भी हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन हमें यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन के साथ।
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों के तापमान के बारे में, कहां पर न्यूनतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर अधिकतम तापमान का क्या हाल रहा है, इसके बारे में हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूनतम तापमान की। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की अगर हम बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान की बात करेंगे जहां पर हम बात कर रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और असम, मेघालय की। तो यहां पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान इन राज्यों के अंदर कुछ इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, आप देख पा रहे हैं उड़ीसा और गांगे पश्चिम बंगाल पर अगर नज़र डालें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहां पर इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं, न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे तेलंगाना में, जहां पर तेलंगाना में आप देख पा रहे हैं कि न्यूनतम तापमान यहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल तेलंगाना में इस प्रकार से रहा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहां पर जो न्यूनतम तापमान का हाल रहा वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं न्यूनतम तापमान में, बात करते हैं हम पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो यहां पर न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश और अगर विदर्भ पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही देश में सबसे कम तापमान की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा में दर्ज किया गया है, जो कि 12.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की। तो लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित पर नजर डालें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से है जो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंजाब और चंडीगढ़ की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। यानी पंजाब, चंडीगढ़ के अंदर अधिकतम तापमान इस प्रकार से रहा है। अब बात करें गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम तापमान अधिकतम दर्ज किया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कच्छ, सौराष्ट्र और कोंकण और गोवा की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक तापमान की बात करें तो कच्छ सौराष्ट्र के राजकोट में दर्ज किया गया, जो कि 40.3 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही देश के बाकी हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है, आइए नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर आपने जाना देश के अलग अलग राज्यों में तापमान का हाल। इसके अलावा भी कई जानकारी है जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फिर से आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में अरे वाह अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है जानकार बनिए सतर्क रहिए बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश देखिए मेरे साथ रंग दे 25 मार्च दूरदर्शन किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर मौसम खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे देश के अलग अलग राज्यों में वायु गुणवत्ता क्या रही किस राज्य के अंदर वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई है चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल सबसे पहले नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली पर गुणवत्ता सूचकांक 163 दर्ज किया गया है यानी दिल्ली की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है बात पटना की करते हैं गुणवत्ता सूचकांक 47 दर्ज किया गया है यानी कि पटना की जो हवा रही वो बहुत अच्छी श्रेणी में दर्ज की गई है आगे बढ़ेंगे बेंगलुरु की तरफ आप देख पा रहे हैं गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज किया गया यानी बेंगलुरु की जो हवा रही वो अच्छी की श्रेणी में दर्ज की गई है बात पुणे की अगर हम करें गुणवत्ता सूचकांक 104 दर्ज किया गया है यानी पुणे की जो हवा रही वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है हैदराबाद में डालते हैं गुणवत्ता सूचकांक 91 रहा यानी हैदराबाद की हवा अच्छे की श्रेणी में दर्ज की जाएगी हैदराबाद के बाद नज़र डालते हैं कोलकाता पर जहां पर गुणवत्ता सूचकांक 161 दर्ज किया गया है यानी कोलकाता की हवा संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई पर नज़र डालते हैं 127 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है यानी मुंबई की जो हवा है वो संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है अहमदाबाद की बात करें गुणवत्ता सूचकांक 157 दर्ज किया गया यानी अहमदाबाद की जो हवा रही वो भी संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई है अब बात करेंगे पर्यटन पूर्वानुमान की जिसमें हम जानेंगे भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की तो आप देख पा रहे हैं शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार शुक्रवार को बर्फ ओलावृष्टि होने की संभावना है शनिवार रविवार सोमवार बादल छाए रहेंगे हल्की फुल्की धूप खिल सकती है अधिकतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है वहीं न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर -2 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है तो गुलमर्ग घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ प्रकार से तापमान और इस प्रकार के मौसम के लिए आप तैयार रह सकते हैं बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला की तो शुक्रवार को गरज चमक के साथ बारिश दर्ज की जा सकती है शनिवार रविवार को बारिश दर्ज की सकती है और सोमवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं अधिकतम तापमान की बात करें तो 19 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर शिमला में जा सकता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की आप देख पा रहे हैं शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं रविवार को फिर से तेज धूप खिलेगी शनिवार को फिर से तेज धूप खिलेगी और रविवार को बादल छाए रहेंगे हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है सोमवार को मौसम बदलेगा और तेज धूप खिलने की संभावना जताई गई है अधिकतम तापमान की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है उत्तर प्रदेश के आगरा पर डालते हैं शुक्रवार को तेज धूप खिलने शनिवार को बादल छाए रहेंगे हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है रविवार को बारिश हो सकती है सोमवार को फिर से तेज धूप खिलने की संभावना जताई गई है अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों के अंदर आगरा में जा सकता है अब बात करते हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं शनिवार को तेज धूप खिलने के आसार हैं रविवार को मौसम बदलेगा बादल छाए रहने की संभावना है हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है सोमवार को फिर से तेज धूप खिलेगी अधिकतम तापमान पर डालते हैं तो 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले 4 दिनों में जा सकता है आगे बढ़ते हैं गुजरात की ओर गुजरात से अहमदाबाद की अगर हम जा रहे हैं
तो आप देख पा रहे हैं शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्के फुल्के धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार, रविवार, सोमवार बाकी के तीन दिन तेज धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें गुजरात के अहमदाबाद के अंदर तो 21 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान आने वाले चार दिनों में आपको अहमदाबाद में देखने को मिल सकता है। तो अहमदाबाद घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से तैयार रह सकते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद पर नजर डालते हैं। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर तेज धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेकिन चारों ही दिन यहाँ पर आपको तेज धूप देखने को मिल सकती है। तो औरंगाबाद घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। तेलंगाना के हैदराबाद की बात करें तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर धुंध छाई रह सकती है, बादल छाए रहने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले चार दिनों में आपको हैदराबाद में देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले चार दिनों में आपको हैदराबाद में देखने को मिल सकता है। बात करते हैं कर्नाटक के मैसूर की। शुक्रवार, शनिवार को दो दिन आपको बारिश देखने को मिल सकती है। रविवार, सोमवार बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की धूप भी खिल सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले चार दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास आने वाले चार दिनों के अंदर आपको कर्नाटक के मैसूर में देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ शुक्रवार, शनिवार को बारिश को लेकर भी यहां पर संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, केरल के कन्नूर की ओर रुख करेंगे। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार चारों ही दिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल भी सकती है। उसके साथ ही अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक आने वाले चार दिनों के अंदर कन्नूर में आपको देखने को मिल सकता है। तो कन्नूर घूमने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से आप मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम खेती किसानी की। आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ऐसे समय में अपनी खेती का, अपनी फसल का ध्यान रखना बेहद आवश्यक हो जाता है। ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से अगर आप फसलों का ध्यान रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को लेकर कृषि विशेषज्ञ की क्या सलाह है, आइए नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। उत्तर प्रदेश के किसान इस समय मक्का की विभिन्न किस्मों की बुवाई कर लें। यहां काबुली चने की खेती कर रहे किसान इनकी समय पर सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में ही प्याज को बैंगनी धब्बा रोग के प्रकोप से बचाने के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। यहां टमाटर और मिर्च में झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाओं का छिड़काव भी कर लें। उत्तर प्रदेश में आम को मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रेट छिड़क लें। उत्तर प्रदेश में आलू की पकी फसल की खुदाई कर लें और इसे अच्छे से भंडारित भी कर लें। यहां मटर में खस्ता फफूंदी के नियंत्रण के लिए दवाओं का स्प्रे कर लें। उत्तर प्रदेश में इस मौसम में मूंग और उड़द की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गन्ने की विभिन्न किस्मों की बुवाई भी कर लें। यहां इस समय भिंडी की भी बुवाई की जा सकती है। मध्य प्रदेश के किसान लौकी, तुरई, कद्दू और खीरा की बुवाई जारी रखें। यहां मूंग और उड़द की बुवाई भी की जा सकती है। साथ ही यहां के किसान ज्वार की बुवाई भी कर लें। मध्य प्रदेश के किसान सरसों की पकी फसल की कटाई कर लें। यहां आम में मिली बग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशक छिड़क लें। मध्य प्रदेश में किसान करेला, भिंडी, तरबूज और खरबूज की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। यहां संतरे के बागों को रस चूसक कीट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रेट का छिड़काव कर लें। मध्य प्रदेश के किसान टमाटर, बैंगन, मिर्च और फूल गोभी के पौधों का रोपण इस समय में कर सकते हैं। तो अपने अच्छी फसलों की देखभाल के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह जरूर अपनाएं और अच्छी फसल आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज की फसल की। आज की फसल हमारी करेले की फसल है। इस समय करेले की बुआई की जा सकती है और करेले की बुआई करते समय किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, आइए देखते हैं कृषि सलाह पर आधारित विशेष रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए एक हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की। इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है।
इस किस्म की एक हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। एक हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड एक की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। एक हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। एक हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। तो अगर आप करेले की बुआई करना चाहते हैं तो बताई गई सभी बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। अच्छी फसल आपको मिलेगी और आपका मुनाफा भी होगा। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है। सीधा आप उससे DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। आज के इस मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियां लेकर। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान।